गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा। आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, सो टुडेज लेसन 5 एंड टुडेज प्रोवर्ब इज आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। जैसे कि एज पिछले कई वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों ने प्रोवर्ब्स देखी होगी, कई प्रोवर्ब्स। इन दिस वे यू हैव 3 or 4 प्रोवर्ब्स। इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग बिफोर दिस, Despite this, you will have 4 or 5 proverbs. तो आप लोगों ने देखा होगा dear friends कि 3 या 4 दिन में आपको क्या फर्क, क्या English में difference समझ में आया होगा। तो in this way, today I am here with lesson 5. Today's proverbs is out of frying pan into the fire. इसका मतलब होता है आसमान से गिरे और खजूर पर लटके। आसमान से गिरे और खजूर पर लटके, खजूर पर लटके। डियर फ्रेंड्स, इन दिस वे दीज आर द 10 सेंटेंसेस टुडेज। हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना। लिखिएगा, संकोच करना। हेजिटेट मतलब संकोच करना, और हेजिटेशन या संकोच करना या शर्माना कुछ भी कह सकते हैं, ये वर्ब होता है। और हेजिटेशन उसी का नाउन फॉर्म होता है झिझक। झिझक बोलते हैं या शर्म बोलते हैं या संकोच बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये नाउन फॉर्म होता है, ठीक है। और जो हेजिटेट होता है वो वर्ब फॉर्म है। डोंट हेजिटेट उसी का मतलब है संकोच मत करो या शर्माओ मत, शर्माओ मत या संकोच मत करो। ऑथेंटिक न्यूज इसको बोलते हैं, विश्वसनीय खबर, ऐसी खबर जिस पर कि पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय खबर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज द रॉन्ग हियर, यहाँ पर गलत क्या है। व्हाट इज द रॉन्ग हियर, यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर गलत क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट इज द रॉन्ग विथ मी, मैंने क्या गलत किया है, मैंने क्या गलत किया है, किया है। यदि कोई आपको किसी वजह से डांट रहा है और आपने कुछ नहीं गलत किया है, देन यू कैन से व्हाट इज द रॉन्ग विथ मी, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए, फॉर यू मतलब क्या होता है, आपके लिए, आपके लिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट, मिसलीड मतलब होता है गुमराह करने वाला, आर्ग्यूमेंट मतलब मामला, गुमराह करने वाली बात, गुमराह करने वाली बात, वाली बात। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ इज गोइंग ऑन योर स्टडी, इससे आप बहुत सारे सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे हाउ इज गोइंग ऑन योर बिजनेस, हाउ इज गोइंग ऑन एवरीथिंग, कुछ भी पूछना है कि आपका कैसे चल रहा है तो आप यूज कर सकते हैं हाउ इज गोइंग ऑन योर स्टडी, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। सो डियर फ्रेंड्स, इन दिस वे दीज आर द 10 सेंटेंसेस एंड 1 प्रोवर्ब्स। आई होप नाउ यू हैव 50 दीज सेंटेंसेस, सो गुड वोकैबुलरी नाउ यू कैन यूज इन योर सेंटेंसेस एंड एनरिच योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो इन दिस वे यदि आपको डियर फ्रेंड्स इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हो तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इसको पहुँचाइए, ताकि मेरा जो मिशन है, जो मेरा जो कैंपेन है, गांव-गांव तक हर जगह अंग्रेजी के नॉलेज को, टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इवन द एवरी कॉर्नर, एवरी ईच एंड एवरी कॉर्नर, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द विलेज ऑफ इंडिया, हर भारत के, हर हमारे भारत देश के हर कोने कोने में इंग्लिश का नॉलेज पहुंचाए, यही मेरा उद्देश्य है। डियर फ्रेंड्स, इसी मोटो के साथ आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा। थैंक यू।